अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जो नहीं ठीक अल्लाह ताला उन्हें सेहत तो तंदुरुस्ती अता करे और ज़िंदगी की तमाम आसानियाँ अता करे। ये जी मैं बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि वैसे मेरा प्रोग्राम नहीं था पास्ता बनाने का, क्योंकि हमारा जो डिनर था शाम का खाना वो आंटी की तरफ था। आंटी ने हलीम बनाया था तो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था हलीम पे के इकट्ठे खाएँगे बैठ के, तो लेकिन फिर हस्बैंड को भूख लग रही थी और क्योंकि हम जो रात का खाना है वो हम 4 बजे खा लेते हैं, और इस वजह से फिर मैंने पास्ता बनाया जल्दी से। और यहाँ मैंने जी पास्ता जो है ये फुसेली पास्ता है, और इसे मैंने पानी और नमक में डाल के बॉईल कर लिया है, और साथ ही मैंने ऑलिव ऑयल में प्याज डाले हैं और प्याज को मैं ट्रांसपेरेंट करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। और फिर जी मैं इसमें फ़िश डालूँगी, जो टूना फिश होती है उसे टूना भी कहते हैं और तोनो भी कहते हैं। पास्ता जी बहुत मज़े का बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने एक इटालियन लेडी से सीखा था, क्योंकि पहले हम इटली में रहते रहे हैं तो वहाँ फिर हमारे जो नेबर थे वो इटालियन थे, तो मैंने उनसे सीखा था। अच्छा लगता है, पाकिस्तान वाले जो है वो मसाला भून कर बनाते हैं, लेकिन जो इटली है ये इटालियन लोग वो इस तरह सिंपल तरीके से बनाते हैं। अगर आपने इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है तो आप इसमें सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, फ़िश की जगह आप सब्ज़ी ऐड कर लें और उसे बॉयल कर लें, जिस तरह हम चावल बनाते हैं कि सब्ज़ी जब नरम हो जाए तो फिर आप उसमें वो डाल दें पास्ता। और जो ये फुसेली पास्ता है ये एक यानी कि इन्होंने इटली इटालियन लोगों ने उसकी डिज़ाइनिंग की वजह से डिफरेंट नेम रखे हुए हैं। इसके डिज़ाइन ऐसा है कर्ली कर्ली सा है, तो इसका नाम फुसेली पास्ता है। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है ताकि इसकी जो फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब फ़िश की स्मेल ख़त्म हो गई तो फिर मैंने इसमें ये टमाटो पेस्ट डाला है। टमाटो पेस्ट डालकर मैं इसे अच्छी तरह पका लूँगी। यहाँ आप अगर चाहें तो इसमें मिर्चें ऐड कर लें या वो पिसा हुआ धनिया, हल्दी, जो आप डालना चाहें डाल लें, लेकिन मैं इस टाइम पे नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा बेटा जो है वो स्पाइसी नहीं खाता, तो मैं उसके लिए अलग-अलग निकाल कर फिर अपने पेस्ट में जो है वो मिलाऊँगी मिर्चें। यहाँ जी मैं साथ साथ और भी काम देख रही थी और हसन को भी देख रही थी, उसे भी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और इन्हें स्कूल से छुट्टी थी फ्राइडे को हसन को, लेकिन इनका ये था कि वो पेरेंट्स मीटिंग थी तो हमने वहाँ भी जाना था। अब जी मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया पास्ता, यहाँ जी देखें इसके ऊपर ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था तो मैंने पहले सारा निकाल लिया। अब इसमें मैंने हसन के लिए पेस्ट निकाला है छोटे बर्तन में, और इसमें अब मैं इसका पास्ता मिला के इसे दम पे रख दूँगी। फुसेली वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड है फुसेली, मुझे नहीं पता इंग्लिश में फॉसिल कहते होंगे या पता नहीं क्या, लेकिन फुसेली ही है इसका लफ्ज़। यहाँ जी मैंने अपने पेस्ट में हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च का जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है, या मैं उसमें चिली फ्लेक्स डालती हूँ या ये ग्रीन चिली डालती हूँ। अब मैंने इसमें पका कर अपना इसमें फुसेली पास्ता डाल दूँगी।
और यहाँ जी मैं इसमें पार्सले डाल दूंगी। यहाँ जी मुझे इसमें नमक कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसे अब मैं दम पे रख दूंगी। इधर जी बच्चे आए हुए थे, वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, खेल रहे थे, अपना कार्टून वगैरह देख रहे थे। और यहाँ जी हम मैं और हस्बैंड हसन की पेरेंट्स मीटिंग थी तो वहाँ गए जा रहे थे स्कूल। यहाँ जी फिर ये नेक्स्ट डे सैटरडे और मेरे दिमाग में जो बात आ जाए तो मैं उसे पूरा ही करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था जी चूल्हा और ओवन, तो मैं उसके लिए मार्केट गई हूँ। हसन तो बहुत ज़्यादा बाबा जान से कह रहे थे कि नहीं जाना, मामा बहुत ज़्यादा ख़र्चा करवाती हैं आपका, तो बिल्कुल नहीं जाना मार्केट हमने मामा को लेके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो इस बार लेना है लाजमी, चूल्हा और ओवन चेंज करना था क्योंकि मेरे पास जो है वो गैस वाला ओवन है तो मुझे इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए। तो ये हम आए थे करी मार्केट में आए थे और यहाँ आके फिर ये कुकर वगैरह लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक कुकर थे, स्टीमर थे। ये जी यहाँ ग्राइंडर लगे हुए थे। तो मार्केट बंदा जाता है फिर यही होता है कि हर चीज़ ही देख लें क्या क्या मार्केट में नया आया हुआ है, क्या स्टाइल चल रहा है। ये जी इस्त्री है आयरन, यहाँ जी मिक्सचर लगे हुए थे और ये थर्मस थे, कैटल थी, ये जी वो लगे हुए थे जूसर। यहाँ जी फिर मुझे मिल नहीं रहे थे दोनों बाप बेटा तो ये इधर घुसे हुए थे अपने पोर्शन में जो इनका था गेम का, मीडिया का जो था। ये दोनों जहाँ जाते हैं ये यहीं आ जाते हैं, हर मार्केट में ये इसी पोर्शन में घुस जाते हैं। पहले तो हस्बैंड जब काम से आते थे तो इनका लाजमी होता था कि ये कार्टून लाजमी देखते थे बहुत शौक़ से, और लेकिन अब ये है कि अब उनका ज़रा इंटरेस्ट कम हो गया, अब हसन बहुत शौक़ से देखते हैं। वरना तो पहले बाप बेटा दोनों ऐसे बातें करते थे कार्टून की जैसे कोई औरतें दो औरतें बैठी ड्रामों की बातें कर रही हैं। हस्बैंड बहुत शौक़ से कार्टून देखते थे। यहाँ से फिर जी हमें कोई चूल्हा पसंद नहीं आया, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, तो फिर हम दूसरी मार्केट में आए हैं। यहाँ जी सारी मार्केट थी, फिर हम गए पाउंडलैंड, वहाँ से हसन ने कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने ली हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट गए हैं। नेक्स्ट से फारिग होके तो फिर हम घर आए हैं और घर आकर मैंने चावल बनाए थे चने, मैं वाइट चने बना कर गई थी तो हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। खाना खा के फिर हम देवरानी की तरफ चले गए थे चाय पीने के लिए, उन्होंने बुलाया था। ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह।